डॉक्टर साहब कैसी कैसी दलजी जी? ठीक है, हड्डी पसली, कमर वमर सब सही है ना? कुछ टूटा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, एकदम ठीक है। शुक्र है। अच्छा हुआ कि आप समय पर हॉस्पिटल लेकर आए। दरअसल चोट जिस जगह पे है वहां पे जरा सा भी प्रेशर पड़ता तो हेयरलाइन फ्रैक्चर हो सकता था। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अब आराम है। और वो सॉरी, मैंने वो एक्टिंग की आपके साथ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इनफैक्ट आप उन्हें जल्दी घर भी ले जा सकते हैं, मैंने प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया है, आप दवाएं लेकर उन्हें देते रहिएगा। धन्यवाद सर, मैं मम्मी से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, श्योर। थैंक यू। आपकी मम्मी ठीक है अब? एक कर बोला बोलो। जो मम्मा का इतना ख्याल रखता हूँ और उनके लिए इतनी टेंशन लेता हूँ, वो नॉन इंसान नहीं हो सकता। आप नॉन इंसान नहीं हो बल्कि इंसान ही हो। आई नो आप मम्मा से बहुत प्यार करते हो। एक और बात पता है मुझे कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आप भूखे हो। ये लीजिए, जब आप ये चॉकलेट खाएंगे तभी आपके अंदर एनर्जी आएगी और आप मम्मा को उठा पाएंगे। लीजिए। थैंक यू। वेलकम। पर हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैंने आपसे बट्टी कर लिया, मैं आपसे कट्टी हूँ। ठीक है। आपने मेरी मम्मा के लिए डॉक्टर बुलाया, उसलिए हक किया है मैंने। ऐसे थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। तो बड़ी देर लगा दी भाई इन्होंने। पता नहीं बटे कहीं चल रहा होगा, पर टीटू का फोन भी क्यों नहीं आ रहा? अरे लो आगे। आई दलजीत, कैसी है? अब ठीक हो मम्मी जी? डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दी है, पहले से बेटर बेटर। डॉक्टर कहीं बोला कोई फ्रैक्चर वैक्चर तो कोनी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा आराम करेंगी तो शायद कल तक बेटर हो जाए। गॉड इज सो काइंड, गॉड इज सो काइंड, गॉड इज सो काइंड। काई बात होगी रुचि, ये चाय वापस क्यों ले आई? क्योंकि मम्मी जी भाभी कमरे में सो रही है और साथ में टीटू भैया भी। कहीं वहाँ टीटू दलजीत के साथ? मम्मी जी लगता है दोनों का झगड़ा खत्म हो गया और मेल मिलाप हो गया है। गॉड इज काइंड। पापा ने मेहनत भी तो कितनी की थी। वो क्या कह रहे हैं, अंत भला सो सब भला। जैसे कोई रोमांटिक फिल्म चल रही हो, हीरो और हीरोइन के बीच में झगड़ा हुआ और फाइनली प्यार हो ही गया। प्यार?
अरे नहीं, मेरा मतलब है इसे प्यार नहीं, पैचअप, पैचअप कहते हैं, और रोमांस नहीं, केयर, केयर ही कहते हैं। केयर? आई एम श्योर पापा बैरी की मम्मी की केयर करने के लिए रूम में रुके होंगे। अरे चुप कर छोटा टिट्टू, फालतू की बात कर रहा है। अरे परवाह के बगैर केयर फेयर को नहीं होवे। आज एक बात साफ हो गई कि टिट्टू को दलजीत की परवाह है। है। गुड मॉर्निंग टिट्टू। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया, आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? बोल भी दे। क्या बोल भी दूं? जो हुआ। क्या हुआ? दोनों के बीच। किन दोनों के बीच? तुम दोनों के बीच। पूछ लीजिए आप। क्या भाई? जो पूछना है ताकि मैं दे दूं। क्या जवाब? किसे? आप सबको। और क्या टीटू भैया, हम सबको ये पूछना है आपसे कि आपका और भाभी का पैचअप हो गया ना? राजीव जी। हाँ भैया, मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? और वो भी सेम बेड पे सो रहे थे आप हैं जी? मैं नहीं सो रहा था। सब समझ में आ रहा है, मुझे दिमाग लगाया ना आपने। एंड प्लीज ये नौकरी वाली एक्टिंग बंद कीजिए आप। इनफैक्ट बेटर है जी, ये जो नौकर वाली नौकरी है ना, उससे मैं आपको आज से निकाल ही देती हूँ। मैचअप तो ना हुआ। हाँ? उन्होंने इस नौकर को नौकरी से निकाल दिया। क्या, ये कैसी बात होगी? तूने इतनी परवाह की, इतनी चिंता की, बागा बागा अस्पताल ले गया, फिर भी थारे को नौकरी से निकाल दिया। यो तो अच्छी बात ना हुई। वैसे बहू कैसी है? दादी, मैं दलजीत मामा को बहू कहा? खाई करू चिड़ू, आदत सी पड़ गई। वैसे कैसी है वो अब? ठीक है मम्मी, अब ठीक है। चलो बढ़िया बात है, तीज त्योहार पे अब घर की बहू में बीमार हो जाए तो हमारा मतलब घर का कोई भी सदस्य बीमार हो जाए तो त्योहार फीका पड़ जाए। टिटू एक काम कर। जी बाबा। नहीं बोले, नाश्ता कर ले, उसके बाद एक जग पानी का बाहर ले आना पौधे के पास। ठीक। ले लीजिए बाबा। हाँ ले आया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.